हेलो मनपसंद रचना आप श्रवण करने जा रहे हैं। नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे तो पृथ्वी लोक पर बड़ा सुंदर आश्रम दिखा, बड़ा मनोहर आश्रम दिखा। पृथ्वी लोक पर आए और सुंदर आश्रम की छवि को देखकर वहीं पर ध्यान मग्न हो गए। कई वर्षों तक ध्यान मग्न रहे। इंद्र ने मन में सोचा कि नारद जी एक स्थान पर रुकते नहीं है, इनकी क्यों ये अचल समाधि अचल ध्यान लगा हुआ है, क्या मेरा आसन चाहते हैं, ये इंद्र आसन लेना चाहते हैं। कई प्रकार के यत्न करते हैं इंद्र लेकिन नारद जी का ध्यान भंग नहीं होता। अंत में कामदेव को पहुंचाया जाता है, कामदेव भी नतमस्तक हो जाता है लेकिन नारद जी का अचल ध्यान टल ही रहता है। जब नारद अपने आप आंखें खोलते हैं, देखा सामने कामदेव बैठे हुए हैं, हाथ जोड़कर कामदेव सारा वृतांत बताते हैं। हे देवर्षि, मुझको जीतने वाला संसार में केवल भगवान भोलेनाथ हैं और आज आपने मुझे जीत लिया, आप महान हो। नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है, तुरंत वहां से जाते हैं अपने पिता ब्रह्मदेव के पास, सारा वृतांत बताते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे नारद, जो तुमने मुझसे बात कही है वो कभी भी भगवान भोलेनाथ को नहीं कहना। नारद जानबूझकर भगवान भोलेनाथ से वही बात कहते हैं। भगवान भोलेनाथ भी समझाते हैं, नारद जी तुम महान हो, तुम्हारा तप महान है, लेकिन ये बात कभी भगवान विष्णु से नहीं कहना। नारद जी हट पूर्वक भगवान विष्णु जी को सारी बात बताते हैं। आज भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि भक्त के अंदर अहंकार उत्पन्न हो गए। तब देखिए माया की सुंदर नगरी बसाते हैं। नारद जी प्रणाम करके तत्काल वहां से चले। जब उस सुंदर नगर को देखा, ऐसी सुंदरता, ऐसे सुंदर लोग, पृथ्वी लोक पर आए, पूछने लगे ये कौन सी नगरी है, कौन यहाँ का राजा है। बताया कि ये राजा सील निधि की नगरी है। ये उत्सव क्यों है? राजा की पुत्री विश्वमोहिनी का कल स्वयंवर है। नारद जी उत्साहित होकर राजा के पास गए, राजा ने सुंदर आसन दिया और पूछने लगे कि आप तो सब कुछ जानने वाले हो, कल मेरी बेटी का स्वयंवर है, उसके भाग में क्या है आप कहिए। देखिए क्या होता है। कयहुनाथ गुण दोष सब के हृदय, मेरे बेटी के भाग में क्या है, इसका हाथ देखकर इसका भाग बताइए।
जैसे ही विश्व मोहिनी आई, नारद जी ने देखा और देखे क्या कहने लगे, क्या हारमोनियम बढ़ा दो भैया, हाथ जोड़कर विनती है तुमसे। हेलो 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 हेलो, क्या कहते हैं राजा सील निधि? हेलो हेलो, कितना भला कितना बुरा ये जीवन में पाएगी, कौन दिशा से नारद जी, अरे इसकी डोली आएगी, अरे दुल्हन बनकर मेरी बिटिया किसके घर जाएगी ओ, अरे नारद जी मेरी कन्या का, क्या कहा, अरे नारद जी मेरी कन्या का, अरे देख के हमें को बता देना। नारद जी मेरी कन्या नारद जी मेरी कन्या का, नारद जी मेरी कन्या का, नारद जी मेरी कन्या का। नारद जी ने जैसे ही सुंदरता देखी मोहित हो गए, और हाथ देखने के बाद सब कुछ जानने के बाद अपने मन से कहा, देखिए क्या कहा, भूल गए सारा पैरा, भूल गए सारा, भूल गए सारा, प्रसन्न हुए वो हर सित मुनि मन के अंदर, सारा भेद छुपा लेना। नारद जी मेरी कन्या का, देखिए नारद जी ने सारा भेद जानने के बाद ही अपने मन से सब कुछ कह दिया, और देखिए मन में विचार करते हैं कि ये कन्या केवल मेरे लिए ही बनी है, इसको ये कैसे मुझे वरण करे, ऐसा कौन सा मैं उपाय करूं। भगवान विष्णु जी की याद आई, देखिए तत्काल चले भगवान विष्णु जी, राह में मिल गए, प्रकट हुए, और नारद जी अपने मन की व्यथा देखिए किस प्रकार से कहने लगे, क्या हे प्रभु, मेरे मन में एक लालसा है, मैं भी गृहस्थ जीवन जीना चाहता हूँ। जानकार लोग बैठे हैं, शीतल भाई चौधरी जी, शिव पुराण में वर्णित है, आप ध्यान रखना। क्या कहा, हे प्रभु मैं भी गृहस्थ जीवन जीने की मेरी लालसा है, मुझे हरी सा मुखड़ा चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, क्या, अरे जिसे देख मेरा मन भग जाए, ओ मन चाहे गृहस्थी है, क्या कहा, जिसे देख मेरा मन भग जाए, ओ मन चाहे गृहस्थी है, मुझे सुंदर तो ना।
रूप वही हरि सेवक की एक अर्जी है। हरि सेवक की एक अर्जी है। भगवान विष्णु ने कहा आपने हरि सा रूप मांगा है, तथास्तु, वरदान दे दिया। हरि याने वानर और हरि याने भगवान विष्णु। आज नारद जी को बंदर बना दिया। नारद जी फूले ना समाए और देखिए उस स्वयंवर में जा पहुंचे जहां पर विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। कन्हैया लाल जी बकोरिया साहब 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मुकेश जी यादव चूरना नव निर्वाचित सरपंच साहब, इनकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। देखिए वहां उस स्वयंवर में भगवान शंकर के दो पार्षद ब्राह्मण वेश में बैठे हुए थे। नारद जी का हुलिया देखकर सब कुछ समझ गए। और देखिए नारद जी को सुना सुना कर क्या बातें करते हैं। सभा में राजकुमारी जैसे ही आएगी इनके ही गले में बरमाला डलेगी। देखिए क्या कहने लगे। अरे मुनिराज जचते हो वो बड़े सुंदर दिखते हो, इस सभा से न्यारे हो, सुंदर अति प्यारे हो। अरे इनसे भला कौन यहाँ, इनसे भला कौन यहाँ, इनसे भला कौन यहाँ। अरे अच्छा लगता है दुल्हन की जय माला डले पक्का लगता है। मुनिराज जचते हो बड़े सुंदर दिखते हो, मुनिराज जचते हो बड़े सुंदर दिखते हो, मुनिराज जचते हो बड़े सुंदर दिखते हो, मुनिराज जचते हो बड़े सुंदर दिखते हो। I'm not afraid.
राजकुमारी बरमाला लेकर उस स्वयंवर में आती है। नारद जी राजकुमारी को देखकर जिधर राजकुमारी जाती उधर ही पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। देखिए क्या हुआ, बड़े ही खुशी की बात है। हमारे बीच में हमारी दीदी गंगाबाई जी हुई के पूर्व मंत्री महिला बाल विकास शाहपुर भोरा से पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। श्री नाथूराम जी यादव जी झापड़ी से पधारे हैं, उनका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। हेलो 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 हेलो। परम सम्माननीय प्रेमदास जी चांदकिया, आपसे निवेदन है कि श्री गंगाबाई उइके जी का पुष्पमाला से स्वागत करें।